लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन में स्पिरिचुअलिटी से काफी नजदीक रहता है और स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है मेरे हिसाब से कनेक्शन विद गॉड जिसे कई बार लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन इधर पे यूनिवर्स बोलते हैं क्योंकि वो भगवान ये सब नहीं करना चाहते कर, हैं सब 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 <laughs> <कवर हो जाए। laughs> <laughs> तो बट uh, मुझे स्पिरिचुअलिटी का ही बेसिस है नॉट नेसेसरी आप पूजा कर रहे हो भगवान को मान रहे हो बट आप 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 समझते हो कि एक सुप्रीम पावर है चाहे वो भगवान के रूप में है चाहे वो किसी के भी रूप में है लेकिन एक सुप्रीम पावर है आप जब 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 हम स्परिचुअलिटी के और अगले लेवल पर जाते हैं तो हमें समझ में आता है स्परिचुअलिटी कोई डिफिक कुछ कॉम्प्लीकेटेड चीज़ नहीं है स्परिचुअलिटी इज अबाउट आपका सभी के बारे में सही सोच रहा है अपना इंटरेस्ट होना किसी भी चीज में सही है लेकिन किसी का गलत नहीं सोचना ये भी ये स्पिरिचुअलिटी है परस्पेक्टिव hmm. है कि जब आप ना आप जितनी वैल्यू आप अपनी करते हो आप उतनी वैल्यू दूसरों की करते हो hmm. आप सबको समान समझते हो आप सबकी वैल्यू सिस्टम का ध्यान रखते हो hmm. उसकी रिस्पेक्ट करते हो क्योंकि वैल्यूज लोगों की अलग होती हैं जगह अलग होती है लोकेशन अलग हो बहुत सारी चीजें हो सकती है लेकिन जब आप उसको जब आप सबको ना एक जैसा समझते हो कि हम हम सब भगवान के बच्चे हैं और हम सब एक हैं तो आपने सबको ना एक एक ना इक्वल नजरिए से देखने लगते हो मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी ही है और क्योंकि यही तो यही तो भगवान कह रहा है कि सब एक है नहीं आई थिंक आई थिंक इस पर मेरा थोड़ा सा डिफरेंट परस्पेक्टिव है जो कि ओवरऑल आप सही बोल रहे हो बट ना उसमें हमें ना ओवरऑल भगवान जो बोल रहे हो वो करना चाहिए मैक्सिमम mm. लोग कर रहे नहीं mm. जैसे भगवान नहीं चाहता कि हम चोरी करें या फिर गलत काम करें mm. तो आई थिंक वहाँ पे हमें उस चीज़ों को नीचे देखना चाहिए वो लोग एक बैलेंस होना भी बहुत जरूरी है मुझे लगता है हम सही काम करें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा जाता है नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाता है मतलब अभी स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो वही ईविल और गॉड और ईविल का वो वाला कॉन्सेप्ट हो गया तो ईविल साइड से हमें कम होते होते इस साइड पे जाना है क्योंकि कुछ चीजें हैं जो नहीं करना चाहिए आई सो और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए भी सही नहीं है जैसे आप नेगेटिव सोचोगे आई थिंक वो नेगेटिव एक्शन में ही दिख के कुछ ना कुछ ईवेल हो जाएगा बट हमारा कनेक्शन गॉड से होगा जो सही डायरेक्शन पे है जो सही चीज़ें हमें सिखा रहा है पॉजिटिव सिखा रहा है रिस्पेक्ट करना सिखा रहा है लोगों की रिस्पेक्ट करो ज़्यादा जज मत करो हमें नहीं पता कौन क्यों किया तो आप मत जज करो जो ऑफिशियल उनको जज करने दो आई थिंक ये सेम ही हम बोल रहे हैं बस थोड़ा सा ये एक तो ये एक है अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार जाके देखो डिटेल में चीज़ों को समझो तब तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से आप अपनी जिंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे थैंक सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल